ऑपरेशन ब्लू स्टार की गूंज काफ़ी दूर तक फैली। उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बड़े गुस्से विच अते दुखी सन। उन्हां गोल्डन टैंपल के दौरे नूं कुछ समा अगे पाउण दे सुझावां नूं सिरे तों खारिज कर दिता। वो 8 जून नूं दरबार साहिब पुजे। ज्ञानी जैल सिंह जदों अमृतसर हवाई अड्डे ते उतरे तां राजपाल पांडे ने उन्हां दा स्वागत किया। उस वेले उन्हां नूं इह कहिंदिआं सुणिआ गया कि पांडे साहब ये क्या हो रहा है, क्या आप सोए हुए थे? पर राजपाल पांडे चुप रहे। जिस वेले ज्ञानी जैल सिंह दरबार साहब विच आ रहे सन, उस वेले फौजी अफसर जनरल शाहबेग सिंह की लाश नूं आसे पासे ला रहे सन ताकि राष्ट्रपति इस नूं ना देख सकन। उसकी बॉडी तो 2 दिन बाद में मिली है हमको। एक्चुअली व्हेन द प्रेसिडेंट वाज देयर उस वक्त बॉडी मिल गई थी और बॉडी बाहर रखी हुई थी, बट बाय देन वी हैड फाउंड द बॉडी। वी जस्ट गॉट दैट बॉडी पुट देयर। वी डिडंट वांट द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट टू सी दैट एंड वी केप्ट इट असाइड। यानी जैल सिंह के दौरे दौरान 2 अहम घटनावां वापरियां। पहली, जदों वो परिक्रमा विचों गुजर रहे सन तां ब्रह्म बूटा अखाड़ा वाले पास्यों अचानक उन्हां नूं निशाना बना के एक गोली दागी गई। राष्ट्रपति नाल चल रहे कमांडोज़ ने छेती देनी उन्हां दे आले दुआले घेरा पा लिया। ज्ञानी जैल सिंह वाल वाल बच गए सन, पर स्पैशल फ्रंटियर फोर्स ग्रुप दे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल MP चौधरी दी बांह ते गोलियां दे छर्रे लगे। इस घटना नाल उत्थे तनाव पैदा हो गया अते कमांडोज़ ने निशानेबाज दे टिकाने दी पछाण करके उस नूं मार सुट्टिया। राष्ट्रपति दे दौरे दौरान दूजी महत्वपूर्ण घटना यह वापरी कि गोल्डन टैंपल कॉम्पलैक्स च 18वीं सदी दे बुंगिया नेड़ियों कई गोलियां दागियां गईयां। यह गोलीबारी उस समय हुई जदों 9 कमांड दी थां ते तैनात 10 डोगरा दे जवान राष्ट्रपति ते हमला होण वाले इलाके की छानबीन कर रहे सन। फौजी जवान उन्हां खड़कुआं की भाल कर रहे सन जिहड़े अजे भी इलाके च छुपे हुए सन। 10 डोगरा दे मैडिकल ऑफिसर कैप्टन रामपाल जदों जख्मी हुए 4 जवानों का इलाज कर रहे सन तां खाड़कुआं दे एक गुट ने अचानक तावा बोल के कैप्टन रामपाल नूं काबू कर लिया अते तरीक के बुंगियां हेठां बनी सुरंग च लै गए। खाड़कुआं नूं स्पीकर तों चेतावनी दित्ती गई कि वह डॉक्टर नूं छड़ देण, नहीं तां सुरंग च धमाका करके उन्हां नूं उड़ा दिता जाएगा। जवाब विच खाड़कुआं ने मंग की कि बंदी बनाए गए डॉक्टर नूं छड़न बदले मुख ग्रंथी ज्ञानी साहब सिंह नूं उन्हां नाल गलबात लई बुलाया जाए। ज्ञानी साहब सिंह नूं लभ्या गया अते उत्थे लियांदा गया, पर खाड़कू हुण इस गल उत्ते अड़ गए कि मुख ग्रंथी नूं सुरंग अंदर भेजा जाए। ज्ञानी साहब सिंह ने सुरंग अंदर जाण तो इनकार कर दिता अते उधर खाड़कू भी अपनी जिद ते अड़े रहे। बुंगा रामगढ़िया दे हेठां बनी इह सुरंग जिथे इह घटना वापरी काफ़ी रहसमई है। इस दी उसारी रामगढ़िया मिसल वजलों दरबार साहब दे रखिका नूं ठहराउण लई कीती गई सी अते इस दे 3 मंजिला तहखाने ने। सुरंग दी हेठली अते पहली मंजिल तों परिक्रमा पूरी तरह नज़र आउंदी है अते इस दीआं बाकी मंजिलां छुपण वास्ते बहुत चंगे टिकाणे ने। इह सुरंग हवादार, मजबूत अते पक्के पत्थर दी बनी हुई है। इह इन्नी वड्डी है कि तुसीं इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं कह सकता हाँ कि बुंगियां दा हेठला हिस्सा दुनिया दे गिणे चुने बंकरां चों एक है। ये स्पष्ट है कि खाड़कू बुंगियां दे तहखाने चों फौज अते राष्ट्रपति समेत उन्हां दे कमांडरां ते वड्डा हमला कर सकते सन। वो 6 अते 7 जून नूं इस तहखाने च छुपे रहे अते फौजी कार्रवाई दौरान उन्हां वल किसे दा ध्यान नहीं गया। इस सूरत च राष्ट्रपति अते फौज दे अफसरां ते उन्हां वल्लों हमला ना करना किसे चमत्कार तों घट नहीं। अखीर 8 जून दी शाम नूं डॉक्टर नूं खाड़कुआं दे कब्जे चों छुड़ाउण लई कोशिशां शुरू होईयां। 1 पैरा कमांडोज़ अते 10 डोगरा दे जवानां ने बुंगे दी सुरंग दे दाखले उत्ते हवा लई बने आलियां च धमाका खेज समगरी रखण दा फैसला लिया। कुछ समा इंतज़ार करन तों बाद फौज ने
उन्होंने उड़ा दिता और सुरंग के अंदर दाखिल हो गए। दोवां धिरां वल्लों जबरदस्त गोलीबारी हुई अते फौज ने सुरंग अंदर बैठे सत्त खाड़कुआं नूं मार सुट्टिया, पर फौजी अपने डॉक्टर नूं नहीं बचा सके। जनरल बराड़ ने अपनी किताब विच लिखिया है कि खाड़कुआं ने कैप्टन रामपाल उत्ते जालमाना तशद्दत कीता अते उन्हां दी इक लत वढ सुट्टी। जनरल बराड़ ने अपनी किताब च लिखिया है कि 10 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार मुकम्मल हो गया सी। उन्हां पूरी ईमानदारी नाल एक गल भी मनी है कि फौज ने 2 रातां अंदर ऑपरेशन खत्म करन दा टीचा रखिया सी, पर उन्हां नूं इस तों दुगुणा समा यानी 4 रातां लग गईयां। ईवन विद दिस फोर्स वी वरंट एबल टू अचीव द टास्क इन द टाइम फ्रेम दैट वी वांटेड टू, आई मीन इन द मैनर वी वांटेड टू, वी हैड टू ब्रिंग इन एडिशनल फोर्सेस। उन्हां मारे गए लोगों की सूची भी दित्ती है। फौज ने गोल्डन टैंपल कॉम्पलैक्स में ऑपरेशन नू काली अंदर अंजाम दिता, क्योंकि उन्होंने डर सी कि अमृतसर के आले दुआले के पिंडां च इसका प्रतिक्रम हो सकता है। हुण इस ते जदों असीं पिछे मुड़ के नज़र मारदे हाँ तां साफ नज़र आउंदा है कि यह खदशा बिल्कुल गलत सी। नेड़ले पिंडां दे लोग गुस्से विच सन अते 5 अते 6 जून नू कुछ गुटां च लोग अमृतसर वल नू निकल पए सन ते इन्हां नू रोकण लई कई थावां ते फौज नू गोलियां चलाउणियां पईयां। अमृतसर नेड़ले कई पिंडां च हिंदुआं अते सिखां च तनाव दा माहौल बन गया, जिस कारण कुछ हिंसा भी हुई। इस दी पुष्टि इस गल नाल हुंदी है कि 6 जून नू 10 पिंडां वालियां दीयां लाशां पोस्टमार्टम लई सिविल हॉस्पिटल अमृतसर पहुंचियां, पर जिवें सोचिया गया सी कि वड्डे पद्धर ते विद्रोह होएगा अजिहा कुछ नहीं होया। हालांकि अशांति दा माहौल बन गया सी जिहड़ा उस वेले होर खराब होया जदों काल तख्त नुकसान पहुंचण दीयां खबरां फैलणियां शुरू होईयां। क्योंकि सिचुएशन खराब सी, उसनू कंट्रोल करन वास्ते करफ्यू लाया सी, ते हुण करफ्यू दे विच समस्या इह आई कि करफ्यू लगे ते जलूस किदां कढ़िया जाए। ते मैंने कहा भई नहीं, जलूस निकलना चाहीदा। इह हुण इक ते टेंशन उदां ही हैगी है, लोकां नूं भणक पई हुई है। दूजा, अगर हुण जिहड़ा जलूस सालां तों निकल रिहा जी उह ना निकले ते इह यू नो कटे ते नम खेण वाली गल होएगी जी, ते आपां इह ना करिए। उह जदों जलूस निकलण दा आया वक्त, मैं गुरद्वारा सिंह सभा गया, उत्थे जिहड़े लीडर सी उन्हां नाल गल कीती। बाद दे विच फैसला होया कि जी इह जलूस असीं पैदल नहीं जावांगे, इस वारी एक कनवाए बना के व्हीकल दे विच चले जाएंगे। मैं आप बीड़ चुके सिर ते ट्रक ते रखी सजाई, उदू बाद असीं अगे तुरे, कनवाए दे लीडर भी चले नाल, हिंदू लीडर्स भी नाल तुरे, ते जलूस बिल्कुल तसल्ली नाल अद्धे घंटे च असीं सारे शहर च गुरद्वारा सिंह सभा तों निकल के 5 नंबर डिवीजन ताणी वापस आ गया। सो पीसफुल पीसफुल बिल्कुल पीसफुल निकल आया हो गया। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार वेले भी मैंने याद आया कि जिहड़े पिंडां दे लोकी आ उन्होंने लुधियाणा शहर नूं एक हिस्से नूं घेर लिया सीगा, और उन दा जिहड़ा लोकल आर्मी कमांडर सी जिहड़ा उह शायद गोली भी चलाउण लगा सीगा। हाँ, फिर किवें डील कीता? कोई 10-15 हज़ार बंदा मॉडल ग्राम जिहड़ा गुरद्वारा हैगा, क्योंकि पहरा पिंडां चों आ के सारे लाल लाल दे पिंडां तों उह आ के उत्थे 10-15 हज़ार बंदा इकट्ठा हो गया सी, नाल लोकल मिल गया 20 हज़ार दी तादाद दे विच बंदे हो गए। और उन्होंने बड़े जिस तरह हुंदा ही है आम रोस ही लोकां च रंजित सीगी, राइटफुली लोकां दे फीलिंग जिहड़े सी बहुत हर्ट सीगे, ते उन्होंने सरकार दे खिलाफ गंदे गंदे जो नारे लांदे हुंदे आ उह सारे लाए लुए, बड़े प्रोवोकेटिव स्लोगनस। आर्मी नूं बड़ी तैश आई हुई, उत्थे साडे ब्रिगेडियर लखेड़ा हुंदे सी जी, ते उह उन्होंने अपनी आर्मी नूं हुक्म देता भी इन्हां नूं गोली मार दिओ। मैं वायरलैस ते उह सुणिया जदों इह तैयार हो रहे सीगे, उत्थे पहुंचिया ब्रिगेडियर साहब नूं वर्चुअली मैं मोढे तों फड़ के हथ फड़ के लै के गया अंदर बिठाया गुरद्वारे। मैं कहा रब दे वास्ते इह गोली गाली बिल्कुल नहीं चलाउण दा कोई मतलब है, फिर की करिए इन्हां नूं। मैं कहा तुसीं, मैं आपे डील कर लवांगा, तुसीं आर्मी नूं विड्रॉ कर लो, पुलिस नूं उत्थे खड़ी रहण दिओ, तुसीं बल्कि कुछ भी ना करो। मैं वर्चुअली क्राउड दे विच गया, मैनूं भी उन्होंने हफा थप्पी जी गाली गलोच नारा नारी कीते, क्योंकि मैं सरकार दा सिंबल सी जी एज डिप्टी कमिश्नर। 5-7 मिनट एक होने तो बाद लोग टिक गए, असी गुरुद्वारे के अंदर आ गए, उत्थे गुरबाणी का पाठ शुरू हो गया। वो आके मैं भी उत्थे अद्धा घंटा सिर ढक के बैठा रहा, उदू बाद मत्था टेक के वापस आ गए, सारे आपस चले गए। 22 दिन बाद जदों फस्ट टाइम दरबार साहब के
आग्या मिली इन जनता नूं अंदर जाण दी। उस दिन मैं कैमरा लैके, हिडन कैमरा सी मेरे को छोटा, लैके गया, पर कैमरा अंदर किसी नूं खिंचण नहीं सी दिंदे। सब तो पहले तो दरबार साहब अकाल तख्त की तस्वीर खिंची, लोग बब्बा मार के रो भी रहे सन, तो वो तस्वीर खिंचन लग्या तो हाथ जोड़ कमें कि ये की पाणा वरत्या जड़ा नहीं सी वरतना चाहिए। खिंच लिया, काफ़ी लोग सी इकट्ठे हुए, गिनती तो करनी मुश्किल है, मतलब सारा भरया पिया सी, लोग जज्बाती सन, गुस्सा सी, रो रहे सन। जो भी उस वेले दी हालत सी बहुत नाजुक, बड़ी भावक सी। 1932-33 च मेरा ताया ऑल इंडिया कांग्रेस दा वर्किंग प्रेजिडेंट सी, सरदार सरदूल सिंह कविशा जी। तो ये जेडे सी इस तरह दी बैकग्राउंड वाले भी अगर असी इस तरह ये फील कर रहे हैं, ये एक बहुत ही जिन्हों कहिंदे ने मंदभागा, तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। दूसरा जिहड़ा सब तो वड्डा जिसने सिख मानसिकता नूं दुख पहुँचाया वो ये है भी ये गुरपुरब वाले दिन क्यों किया। मेरे आप दे नाना जी वो सैंडर्स कमिशनड आर्मी ऑफिसर सके, जदों ऑपरेशन होया है तो उन्होंने अपने आप नूं इंडियन आर्मी तो दे बजाय ब्रिटिश इंडियन आर्मी का कहना शुरू करता। अज भी मैं कई जिहड़े सिख अफसर ने जिहड़े आर्मी तो रिटायर हुंदे ने, तुसीं किसी नाल तुसीं गल करके देख लो, अंडरलाइंग ये चीज़ है, वो सारे समझते हैं कि भी अज भी उत्थे वो आर्मी नहीं रही जिहड़ा पहला जिथे सिख सर्व करता सीगा। उन्हां नूं अज भी हैगा कि भी साढ़े नाल उत्थे भी हुण धक्का तुक्का होना शुरू हो गया। पंजाब दे बहुत सारे अफसर श्री दरबार साहब ते फौजी कार्रवाई ते भयानक नतीजों तो जाणू सन। साबका मुख सकत्तर वासुदेव याद करते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार तो कुछ महीने पहलों अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के अहदे लई किसी अफसर की चोण बारे विचार करदिआं गृह विभाग के सलाहकार ने सुझाव दिता सी कि दरबार साहब अंदर दाखिल होने लई डीसी की योग्यता इहो ऐ कि वह इस मसले पर कोई सवाल जवाब ना करे। वासुदेव ने जोर दे के कहा कि मुद्दा फौज के ज़ारा तौर पर दरबार साहब अंदर दाखिल होने का नहीं है, बल्कि इतिहास के अज्ञात दौर च कदम रखन दा है। गोल्डन टैंपल कॉम्पलैक्स में फौजी कार्रवाई का सब तो तिखा प्रतिक्रम फौज अंदरों सिख जवानों वालों होया। इस अचानक बदले घटनाक्रम लई फौज ने भी कोई रणनीति तैयार नहीं की सी। पंजाब विचों खबरां ते मुकम्मल ब्लैकआउट तो बाद 7 जून की सवेर नूं ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी खबरां च दस्या कि हरिमंदर साहब विच फौज का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। खबरां विच ये भी दस्या गया कि हरिमंदर साहब सुरक्षित है अते अकाल तख्त नूं कुछ नुकसान पहुँचा है। इस तों इलावा ये भी दस्या गया कि जरनैल सिंह पिंडरांवाले ऑपरेशन दौरान मारे गए ने। फौज विच सिख जवानों अंदर कई थावां ते रोस फुटना शुरू हो गया अते छेती ही इसने गंभीर रूप धारण कर लिया। हथियारबंद बगावत की पहली घटना 7 अते 8 जून नूं राजस्थान के श्री गंगानगर नेड़े लालगढ़ जट्टां विच 9 सिख रेजिमेंट विच हुई। ज्यों ही सुनिया तो बस फिर जनता विच तां इस गल दा भी जेकर उन्हां दे शव बरामद हो गए ने अकाल तख्त साहिब तो उन्हां दे कितना नुकसान होएगा अकाल तख्त साहिब का, बस विच इह मन विच लै के ते कुदरती गल है सिख होण दे नाते भी टैंक ते तोपां दे नाल क्योंकि वह अंडर भोरे साहब दे विच सन ते शव उन्हां दे बाहर आ के कितना मुकाबला, बस ये सुन के तो सेंटीमेंटल समझ लो जां कि एक सिख की अंदर की भावना समझो कि अकाल तख्त दे नाल जुड़े होण दे नाते सिख होण दे नाते बस भावक हो गए हैं। तो शाम को फिर गुरु घर संगतां सारे जवानों ने ज्यों ही काफ़ी जवान इकट्ठे हुए ने, ये उन्हां दी भावना सी ते नाल मेरे तो भी पुछगिछ की हूँ दसो बाबा जी किवें किया जाए। मैं तो फिर इन्नी गल कही सी सिंघो अकाल तख्त
श्री हरिमंदर साहब सर्व सांझी वालता का पैगाम देने वाला एक धार्मिक स्थान है। सब तो पहली वड्डी गल कि साड़ी अपनी सरकार ते अपनी आर्मी नूं एक कदम उठाना नहीं सी चाहिए। जो कहते कि उत्थे गलत आंसर जां कुछ भी है उन्होंने बिजली पानी सब कुछ बंद कर दें, एक महीना दो महीना सब कुछ की सही तरीके किया जा, पर जो अटैक करने वाली गल है ना धार्मिक स्थान पर यह जायज़ नहीं है। तो मरना तो असी एक दिन है, जेकर इस तरीके पवित्रता बरक ना सहन करते हुए तो जिस तरीके शहीदियां पा जाइए तो होर की चाहिए है। बस ये सब भावना सी। यूनिट के 535 जवानों विचों 406 ने बागी होकर यूनिट छड़ दी। हथियारबंद जवान जयकारे छड़ते हुए यूनिट दियां गड्डियां विच ही अमृतसर वल नूं रवाना हो गए। रस्ते विच इन्हां बागी जवानों नूं राजस्थान पंजाब सरहद उत्ते एक चौंकी ते रोकिया गया। ये जवान राजस्थान आर्म्ड कॉन्सटेबलरी दे एक सिपाही नूं कतल करन अते एक होर नूं जख्मी करन तो बाद वो जबरी अगे लंघ गए। बस उन्हां दी अपनी प्लेनिंग सी जी, किसी नूं भी पता नहीं। मैं भी बड़ा हैरान हाँ कि असली जदों लड़ाई तैयारी का टाइम मेरे ख्याल 4 घंटे का जवान दसते हैं कि 4 घंटे का टाइम देंगे असली लड़ाई तो जो जाना होंगे वो फिर ट्रेनिंग भी देंगे दें। वाकई तो 4 घंटे तैयारी कर सकते हो कि अपना हैवी समान एक्स चंगी जगह पर तो गड्डियां च पानी पेट्रोल हवा वैपन्स वगैरह लदने आर सी एल गन्ना फिट करनिया सब कुछ वो टाइम है 4 घंटे का वो ट्रेनिंग देते तुम कामयाब हो सकते हो इस तरीके दे नाल। पर उस दिन 7 और 8 की रात को कहते हैं कि बाबा जी साड़ी 10 बजे पहली गड्डी निकली है अपनी पलटन तो और 10:45 तो आखिरी कमांडिंग अफसर आई है सबरवाल जो सी उसकी जीप सी वो लैके आखिरी गड्डी बाहर हो गया। 45 मिनट के जो जकारे छड़े उन्होंने तो उस वे अफसर की कर सकते अफसर के क्वार्टर एक जगह पर सन तो उन्होंने जवानों ने अपनी प्लेनिंग की सी पे इन्हों सिर नहीं उठने बाहर नहीं निकल देना तो हवा च फायर कर देना ताकि अपने बंगलों के उस क्वार्टर में बैठे रह। बैरकां छड्डन वाले सिख फौजियों नूं 11 राजपुताना राइफल्स अते 94 फील्ड रेजिमेंट दे जवानों वालों वक्-वक् थावां ते रोकिया गया। फौज ने श्री गंगानगर अते अबोर नेड़े कुछ जवानों नूं बिना किसी हिंसा ते आत्मसमर्पण करने लई मजबूर कर दिता। गोबिंदगढ़ नेड़े बागियां अते 94 फील्ड रेजिमेंट दे जवानों विचकार तिखी झड़प होई। इस विच 13 बागी मारे गए अते 20 होर जने जख्मी हो गए। इन्हां रुकावटां ते बावजूद ज़्यादातर बागी पंजाब अंदर वक्-वक् थावां ते पहुँचण च कामयाब रहे। इन्हां विचों 29 बागियां नूं 10 फील्ड रेजिमेंट दे जवानों ने मुक्तसर नेड़ियों फड़िया। वड्डी गिणती विच अगे वध रहे सिख फौजी बागियां नूं रोकण लई फौज ने मोगा नेड़े कोट सुखां पिंड दे गुरद्वारे नूं घेरा पा लिया। बागी जिवें ही गुरद्वारे अंदर दाखिल होए तां उत्थे तनाव दा माहौल बन गया। इस गुरद्वारे नूं 12 ग्रनेडियर्स 15 गढ़वाल राइफल्स 3 गढ़वाल राइफल्स 9 मैक दी 8 APCs अते 20 लांसर्स दे 5 टैंकां ने घेरा पाया होया सी। गुरद्वारे दे महंत ने दखल दे के ऑपरेशन की अगवाई कर रहे ब्रिगेडियर AS बैंस नाल गलबात की। अगों फौज भजी आई मगर मगरली फौज भजी आई उतों किरदे 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 इतने आके किर गए सारी जवान एकदम ही जो किर गए तो इन्होंने मोर्चे ले लिया इतों ने भी ले लिया जो उतों ने ले मगर लिया ने अजक महीना से 4 बजे घेरा पैना पाया तो अस 8-7 बजे नो करके मिनटों ही मिनटों मिनट घेरा पै गया। वो सके तकरीबन 250 जना 200 उत्ते उन्होंने फिर अपने बाबे नूं आखन लगे भी जे साढ़े ना करके बाबे ने आखिर थोड़ा किसी कहना राजी ना हो जाए तो गोली तो नहीं अच्छी चलन देनी इतने उन्होंने फिर दाता भी ए करके अड्डे से आ खड़ गया सूरतगढ़ वाला ब्रिगेडियर सिख सी मेरे कि जिले मत राजा तो वो आके तो बाबे नूं आखन लगा इस तरह भी तुम महाराज जो हाथ खड़े करके आखिर आ जाओ आ जाओ असं भी नाल गए मुड़ के फिर जाके जो आख्या तो वो आखन लगे भी महाराज गोल गऊँ कढ़ लो तो नाले अपना डेरा टैजू तो गोली तो इतने गोली तो चलूगी बाबा ने यों गोली किमें चलू यार
फिर कोई पिंड पुंड के बंदे पै गए कह कुआ फिर ये तो राजना हो गया। अखीर 8 जून को शाम 6:30 के करीब बिना किसी गोलीबारी के 214 बागियों ने आत्म समर्पण कर दिता। गोबिंदगढ़ विच जो कुछ वापरिया सी उस घटना तो बचाव हो गया अते फौज के सीनियर अधिकारियों की दखल अंदाजी नाल वड्डा टकरा होण टल गया। बागियों ने हथियार भी सुट दिते जिन्हां विच 2 RCL गन्स, 22 LMG, 161 7.62 mm बोर राइफल्स, 35 9 mm कारबाइन अते 16 राइफल ब्योनट शामिल सन। इन्हां बागियों नूं काबू करन विच 20 घंटे तक मुशक्कत करनी पई। 8 जून की सवेर नूं जम्मू च 18 सिख नाल वी इह घटना वापरी। उत्थे स्थानक सिख भड़क गए सन अते उन्हां नूं काबू करन की कोशिश की गई, पर 18 सिख दे जवानां ने अपने अफसरां दी हुक्म अदूली की। कुल 132 सिख जवानां ने निहत्थियां बैरकां छड़ दित्तियां अते 17 जवान हथियार अते गोली सिक्का लै के बागी हो गए। 18 सिख अते मीरा साहब इलाके च तैनात 2 ग्रनेडियर्स विचकार झड़प नूं बड़ी मुश्किल नाल रोकिया गया। अखीर इन्हां बागियों नूं जम्मू पंजाब सरहद उत्ते बिना किसी खून खराबे ते काबू कर लिया गया। सिख इन्फेंट्री दियां कुछ यूनिटां विचों सिख जवानां वल्लों हथियार लै के फौज छड्डन दियां खबरां दा फौज दे सीनियर अधिकारियों ने गंभीर नोटिस लिया। उन्हां नूं इस घटनाक्रम ते काफ़ी चिंता हुई। आर्मी हैडक्वार्टर्स ने वख-वख यूनिटां नूं निर्देश भेजे कि वह सिख जवानां वालियां यूनिटां विच उचेचे तौर पर एहतियात वरतन कि होर जवान फौज नूं छड्ड के ना जा। GOC हैडक्वार्टर 15 डिवीजन ने तुरंत 10 जून नूं तड़के 4:30 कॉन्फ्रेंस सद्दी। इस कॉन्फ्रेंस विच उन्हां यूनिटां दे कमांडरां नूं हाज़र रहण लई कहा जिन्हां विच सिख जवान तैनात सन। उन्हां नूं पुछया गया कि जेकर फौज छड्डण वाले सिखां दी गिणती वधदी है तां की ओह उस मगरों पैदा होण वाले हालात नाल निजिठण लई तैयार ने। उन्हां नूं कहा गया कि जेकर उन्हां नूं जापे कि हालात काबू तों बाहर हो रहे ने तां उन्हां नूं हैडक्वार्टर्स नूं सूचित करना चाहीदा है तां जो यूनिटां नूं पंजाब तों बाहर अभ्यास या होरना ड्यूटियां उत्ते भेजा जा सके। ये भी खदशा सी कि कुछ हथियारबंद यूनिटां च वी अजिहा रोस फैल सकता है जिथे वड्डी गिणती च सिख फौजी तैनात ने। हैडक्वार्टर 15 डिवीजन दे डिप्टी GOC ब्रिगेडियर चीकी दीवान ने फौरी कदम चुकदिया 46 आर्मड रेजिमेंट के टैंकों नूं वख करके गोइंदवाल अते ब्यास भेजन के निर्देश दिते, क्योंकि उन्होंने डर सी कि इत्थों विद्रोह करन वाले सिख फौजी अमृतसर अंदर दाखिल हो सकते ने। आफ्टर द ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑन 9th of June आई वॉज आस्ट दैट आई हैव टू टेक ए कंपोजिट स्क्वाडन ऑफ 46 आर्मड रेजिमेंट टू ब्यास। One troop was to be deployed at Gondwal Sahib, one troop at Bias, and one at Dera Baba Nanak. So I was there from 9th June till 30th June. The order to me was that I have to shoot if there is any tank which tries to cross the bridge. That means any tank, mean if there was any rebellion in any of the armored regiment, and any tank wants to make an ingress towards the towards Amritsar, I was to shoot that tank. Halanki fauj de sare khadshe niradar nikle, kuj horna unitan ch ros paya gaya, par hathiyar band unitan ch kuj khas vidro nahi hoya. There was nothing at all which happened. 9 sikh de jawana vallon fauj chhadan di khabar jadon Bihar vich sikh regimental center Ramgarh vikhe pahunchi ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। 6 ਜਾਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਕਰਨਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ
कमांडेंट ब्रिगेडियर एस सी पुरी नूं जवान नाल हुई गलबात की पूरी जानकारी दित्ती। उन्हें यह भी दस्या कि कंपनी कमांडर नूं इस जवान अते होरना उत्ते निगरानी रखने लई कह दिता गया है अते ये यकीनी बनाने के निर्देश दिते गए हैं कि रोस की सुलग रही चिंगारी होर ना भड़के। 9 जून नूं रम दिवस मनाया जाता है पर एस आर सी के ज़्यादातर जवानों ने अमृतसर च फौजी कार्रवाई के अफसोस च उस दिन रम नहीं पीती। डेफिनेटली बाद च पता लगा कि कुछ आदमियों ने ऑब्जेक्शन की सी रम भी नहीं पीती जाए बट दैन इट वॉज नॉट वाइड स्प्रैड देर आर सम पीपल हु डिड नॉट टेक रम बट मोस्ट ऑफ दैम डिड टेक रम देर वॉज नो बिग डील अबाउट इट दे मे हैव बीन सम पीपल हु प्रोटेस्ट बट वी डिडंट कम टू नो। 10 जून नू गुरद्वारे च समागम तो बाद एस आर सी विच वड्डे पद्धर ते बगावत हो गई। बागी जवानों ने बैरकां छड्डन वेले सेंटर के सीनियर अधिकारियों उत्ते गोलियां चलाईयां इस कारण सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर एस सी पुरी मारे गए। इस गोलीबारी दौरान डिप्टी कमांडेंट कर्नल जगदेव सिंह अते एक होर अधिकारी लैफ्टिनेंट कर्नल एच एस चीमा जख्मी हो गए। एट अबाउट 10 o'clock आई बिलीव सुबधर मेजर वेंट टू ब्रिगेडियर पुरीज हाउस एंड टोल्ड हिम दैट सम पीपल आर रेजिंग स्लोगन्स एंड दे आर एजिटेटिंग। ब्रिगेडियर पुरी उदों घरे सीगे ते ब्रिगेडियर पुरी एकदम सुबधर मेजर दे नाल ही बैठ के मेरे घर आ गए। मेरा घर भी नाल सी। करन चीमा नूं बुला लिया। असी पंजे जाने सेंटर नूं चले। उस तरीके नाल मैं फिर आ गया नाल कार दे विच। असी बैठे हाँ अगे ड्राइवर तो सुबधर मेजर सी पिछे राइट साइड ते मैं सा विचकार ब्रिगेडियर कर्नल जगदेव सिंह सीगे और लैफ्ट साइड ते जिहड़े ब्रिगेडियर पुरी बैठे सी। असी अपने यूनिट वल नूं मूव करना शुरू किया। रस्ते दे विच अमनीशन जिन्हों असी मैगजीन कहने आ अमनीशन द स्टोरी सी उस थान ते असी कुछ एक बंदे देखे ने। डायरेक्शन ये सन कि असी एतवार नूं कोई फायर वगैरह नहीं सी करदे इस करके असी हैरान होए कि इत्थे किस क्यों आदमी इत्थे अमनीशन दे कोल खड़े ने। असी उन्हें ब्रिगेडियर पुरी ने कहा कि कार जिहड़ी है इस दिन मोड़ ड्राइवर नूं कहा। जदों उधर मुड़े ये तकरीबन 30-40 गज से या 30-40 मीटर से ये दूर सी। जदों असी गए तो उहदे च उस टाइम तो साढ़े तो हवा च फायर आया। असी इस चीज़ का बॉदर नहीं किया ना ही सानू ये एग्जैक्टली असी एप्रीशिएट कर सके कि की हो रहा है। अगे गए नज़दीक तो पार्किंग जिहड़ी सी वो थोड़ी जी राइट साइड सी। गड्डी राइट नूं मुड़ी उहदे ते जिहड़े फायरर सन और लैफ्ट साइड पर आ गया। लैफ्ट साइड तो ब्रिगेडियर पुरी सी उन्होंने फायर किया। सारयां नूं इंजरी हुई है। ब्रिगेडियर पुरी क्योंकि लैफ्ट साइड एक्सट्रीम लैफ्ट से सी उन्होंने ज़्यादा है। एक्चुअली बेसिकली डायरेक्ट फायर उत्ते नहीं होया। बॉडी दे विच जिहड़े ने पैलेट ने उन्होंने उन्हां दी बॉडी नूं छानी कर दिता तो काफ़ी उन्होंने सट लग गई। ब्रिगेडियर जगदेव नूं उस टाइम पर जो करन सीगे उन्हां नूं भी सट लगी। मैनूं सिर दे विच लगी। अगे सुबधा मेजर ड्राइवर सारयां नूं सारे ऑल वर इंजर्ड। आई वॉज दी लीस्ट इंजर्ड अमंगस दैम। मैं ड्राइवर नूं पुछया कि तू ड्राइव कर लेंगा क्योंकि खून वगैरह वग रहा सी। कहन लगे साहब मैं लै जाऊँगा। मैं कहा हॉस्पिटल च लै जाओ। हॉस्पिटल च लै के जाके इन्हां नूं मैं दाखिल करवा दिता है। सो वैन वी वेंट टू द हॉस्पिटल इट वॉज देयर दैट आई केम टू नो के ब्रिगेडियर पुरी इज आई डिडंट नो दैट ही इज एक्सपायर्ड बट सिंस वी वर लाइंग टू एडजेसेंट tables in the ward in the emergency then I realized that he has been badly hit te kyunki mainu enni zyada satt nahi si lagi main bar unit wal jana shuru kar ditta 6th regiment center wal jana shuru kar ditta ke kise tarike na bande dekhiye ki exactly hoya ki hai othe pajr payi si koi hardly koi aadmi nazar aa reha si kuch ek mainu jco te senior rancio nazar aaye unhan main kiya ki tusi unit de vich jao te bande ikatthe karo oh vi us time te dar reha san सारा इट वॉज स्केयर ऑल अराउंड। मैं क्या मैं एक वेंटेज पॉइंट पर खड़ा हो जाना और क्योंकि मैनू देखे देखने के नाल उन्होंने भी जिन्होंने आना चाहे उन्होंने कॉन्फिडेंस होएगा कि करन साहब उत्थे खड़े है तो असी भी चले जाइए। इस तरीके असी तकरीबन 10-11 बंदे इकट्ठे किए। उस टाइम बागी फौजिया ने स्टेशन की कैंटीन लुट लिया और एस आर सी की सिविल कैंटीन अग लगा दिती। बाद विच ये जवान ट्रकां बसां अते मोटरसाइकलां नूं जबरी पेट्रोल पुराने तो बाद हज़ारीबाग रवाना हो गए।
SRC च तैनात 2484 जवानों 1461 ने बैरकां छड़ दित्तियां, जिन्हां च 1050 रंगरूट सन। इन्हां बागियां नूं गिरफ़्तार करन लई फौज ने वड्डे पद्धर ते तलाशी अभियान चलाया। पटना नेड़े बख्तियारपुर शक्तेशगढ़ रेलवे स्टेशन नौगोंग जौनपुर अलाहाबाद मानिकपुर लाला बाजार अते जफराबाद विच मुकाबलियां तो बाद ज़्यादातर बागियां नूं फड़ लिया गया। इस कार्रवाई दौरान कुल 35 जने मारे गए, जिन्हां च ज़्यादातर बागी सिपाही अते रंगरूट शामिल सन। 10 जून नूं केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करदिआं कहा कि दहशतगर्दां वल्लों गोल्डन टैंपल बारे झूठा प्रचार किया जा रहा है, जिस कारण सिखां दी एक टोली बिहार तों पंजाब लई रवाना होण दी सूचना है। यह भी पता लगा है कि इस टोली च कुछ बागी सिख जवान भी शामिल ने। यह जानकारी गलत सी, क्योंकि पंजाब वल रवाना हुई टोली SRC दे जवानां अते रंगरूटां दी सी, जिस च 1461 जने शामिल सन। इन्हां चों करीब 50 ही आम नागरिक सन। बगावत नूं रोकण विच नाकाम रहण तों बाद फौजी अधिकारियां अते रक्षा मंत्रालय नूं हथ पैर पै गए। इस तरह औरंगाबाद दे आर्मी क्लर्कस ट्रेनिंग स्कूल च भी विद्रोह होया, जिथे 6 जवान बैरकां छड गए। इस दौरान 10 जून की शाम नूं अलवर च 171 फील्ड रेजिमेंट च बगावत का मामला सामने आया। इत्थे रेजिमेंटल एडवांस पार्टी तैनात सी। इत्थे 27 जवान हथियार अते गोली सिक्का लैके बागी हो गए। ये बागी फौजी गड्डियां च श्री गंगानगर राही अमृतसर वल जा रहे सन। उन्हां दा पुलिस वल्लों पिछा किया गया अते जयपुर अते सीकर दे इलाकियां च उन्हां नूं गिरफ़्तार कर लिया गया। गोलीबारी दौरान घट्टो घट एक बागी सिख जवान की मौत हो गई। उस दिन 10 जून नूं रात 9 बजे के करीब पुणे नेड़े तैनात 14 पंजाब, जिसनों नाभा अकाल भी कहा जाता है, दे जवानों ने कोथ चों जबरी हथियार चुकन तो बाद बैरकां छड़ दित्तियां। नारेबाजी करते हुए ये जवान करीब 2000 किलोमीटर के सड़क मार्ग राही अमृतसर वल नूं तुर पए। इन्हां फौजियों नूं गिरफ़्तार करने लई महाराष्ट्र अते गुजरात च कई थावां ते अलर्ट ऐलान दिता गया। इन्हां बागियां नूं रोकण लई 13 महार दे जवानां नूं जिम्मेवारी सौंपी गई। मुंबरा च टकराव दौरान 13 महार दा एक जवान मारिया गया अते 4 होर जख्मी हो गए, जबकि गोलीबारी दौरान 3 बागी हलाक होए अते 14 होर जख्मी होए। बाकी रहिंदे बागियां नूं सेंटाक्रूज़ एयरपोर्ट पहुँचन तो रोकण लई 9 डोगरा दे जवानां अते 129 AD रेजिमेंट दा एक दस्ता भेजा गया। इस तों इलावा मलाड विच सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो दे लड़ाकू जवानां दी सहायता भी ली गई। बॉम्बे सब एरिया दे कमांडर नूं फौजी यूनिटां च तालमेल बुलाउण लई कहा गया। इस दे नाल 14 मराठा लाइट इनफेंट्री अते EME स्कूल दे लड़ाकुआं नूं वी चौकस कर दिता गया। सदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल TS ओबराय बागी जवानों नूं काबू करन लई चलाई गई मुहिम की खुद निगरानी कर रहे सन, जेड़े कि गुजरात च दाखिल हो चुके सन। 11 इनफेंट्री डिवीजन दे GOC नूं सूरत अते अहमदाबाद विचकार सड़कां ते बैरीकेड लाउण लई कहा गया। आर्टिलरी स्कूल दे कमांडेंट नूं नासिक नेड़े नाके लाउण दे निर्देश दिते गए। बागियां दा आसमान राही थां पता करन लई नेवल आइलैंडर एयरक्राफ्ट नूं तैनात किया गया। अखीर च 12 जून नूं अद्धी रात तों बाद 1 बजे दे करीब बरूच पिंड च इन्हां बागियां नूं घेर लिया गया। टू कमौ, जिस दी कमान 11 इनफेंट्री डिवीजन दे GOC संभाल रहे सन, नाल मुकाबले च 2 बागी मारे गए अते 9 होर जख्मी हो गए, जबकि 12 नूं गिरफ़्तार कर लिया गया। बागियां दियां 2 गड्डियां इस टकराव दौरान उत्थों निकलण च कामयाब रहियां। इन्हां दा पिछा किया गया अते सूरत दे उत्तर च टू कमौन दे जवानां नाल होए भयानक मुकाबले च दोवां पासियां तों LMG अते MMG दी वरतों की गई। इस झड़प दौरान काफ़ी खून खराबा होया अते 14 बागी जवान मारे गए, जबकि 27 होर जख्मी हो गए।
कुल मिला के 14 पंजाब के 17 बागी जवान मारे गए अते 31 जख्मी हो गए। इस तरह जापया कि बागी जवानों को आत्म समर्पण कराने की बड़ी ढिली जी कोशिश की गई। पूरब के हाशीमारा इलाके 166 माउंटेन रेजिमेंट सिख जवानों वालों फौज छड़न की एक होर घटना वापरी। अमृतसर च फौजी कार्रवाई और जरनैल सिंह पिंडरांवाले की मौत की खबर तो नाराज़ फौज के दो दस्तियां चों 93 जवानों ने 13 गड्डियां च अपनियां बैरकां छड़ दित्तियां। इन्हां जवानों कोई हथियार और गोली सिक्का नहीं सी, जिस कारण उन्होंने न्यू जलपैगुरी बागडोगरा नेड़े गोली चलाए बिना गिरफ्तार कर लिया गया। थ्री सिख जिसनों रेटरेज सिख्स वजो भी जाने जाता है, इस यूनिट विच भी बगावत हो गई। इस बटैलीयन नू त्रिपुरा विच पंचायत चोणां लई बगबासा कैंप विखे तैनात किया गया सी। 11 जून नू बटैलीयन दे जवानां ने कोत उत्ते हमला करके कुछ अधिकारियां अते जीएसयूज़ नू उत्थों हटा दिता अते उत्थों हथियार लैके उन्हां बैरकां छड़ दित्तियां। उत्थे हफड़ा दफड़ी मच गई सी अते कुछ जवान कंपनी लाइनस विच चले गए, जबकि कुछ गुरद्वारे पहुँच गए अते वड्डी गिणती च जवानों ने धर्मनगर रेलवे स्टेशन की राह फड़ ली। स्टेशन ते उन्हें एक रेल गड्डी उत्ते कब्जा करन दी कोशिश की, पर वो अपने मनसूबे च सफल नहीं हो सके क्योंकि रेलवे का स्टाफ उत्थों भज निकलिया सी। ये सर 11 जून नूं रात नूं तकरीबन 8 बजे BBC लंदन तो खबरां आ रही सी। तकरीबन जवान जिहड़े खाने तो बाद जिहड़े सी अपनी खबरां सुन रहे सी, जिद बयान आया ही सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का कि खून का बदला खून च लिया जाऊगा। जो ये अपने सरदार प्रकाश सिंह बादल का बयान गया खून च बदला खून ना लिया जाऊगा, तो उदों फिर ये जवान जिहड़े जंकारे छड़दे जिहड़े ही कोतां नूं चल गए, जाके ना कोत भन्ने ने हथियार लिया मलेशिया लिया जिन्नियां गड्डियां ही अपनी गड्डियां ते लोड हो के, तो ये धर्मनगर रेलवे स्टेशन वा उधर नूं गड्डियां ते लोड हो के चल गए। इस तकरीबन साड़ी पूरी पलटन भजी और एक भी बंदा जिहड़ा वो निगा भी रहा होवे, जे कोई रह गया होगा तो जिस तरह गड्डियां साडे कोल उस समय थोड़ी ही कोई रह गई को मतलब कि पलटन में कुछ गड्डियां लोड होकर उत्थे जिहड़ी चल गए, लेकिन साडा एक भी बंदा जिहड़ा वो नहीं रहा। पिछे स्टेशन ते गए उत्थे एक माल गड्डी खलोती हैगी तो वो शांटी कर रही है जिदा डब्बियां की, तो जो जंकारे छड़ते गए तो ड्राइवर ने भाफ लिया भी कोई ये हालात खराब ने, तो वो इंजन भजा के तो मौसमपुर लै गया वा, तो जिद को उ कोई साधन नहीं गा सजे खब्बे जाने का, तो वो फिर साढ़े बंदे उतो घूम घम के वापस जोड़े ही गड्डिया तो वापस इधर। बैरकान छड़न वाले ज़्यादातर जवानों को शराब सी, अपनी अगली रणनीति बनाने बारे विचार कर रहे सन कि उन्हें शराब पीनी शुरू कर दी। जदों इन्हों ज़्यादातर नशे विच सन तो CO उन्होंने अपनी यूनिट विच परतन लई मनाउण विच कामयाब रहे अते रात लई हथियार उन्हां कोल ही रहण दित्ते। अगले दिन 12 जून नूं सवेरे उन्हां अपनी मर्जी नाल अपने हथियार वापस जमा करवा दित्ते। इस घटना विच 234 जवान शामिल सन। अगले दिन 5 महार ने क्वार्टर गार्ड की सुरक्षा संभाल ली जिथे 3 सिख की कोत भी मौजूद सी। जो गड्डी मतलब कि चल गई सानू पता 96 घंटे रस्ता वा जी साडा इथों अमृतसरों जाण दा, उत्थे सानू सारा पता भी इन्ना लम्मा रस्ता ही गड्डियां ते नहीं कर सकते, पूरे जवान नहीं साडे जा सकते। फिर असीं वापस उत्थों आ गए अपने कैंप नूं। उत्थों जदों असीं आए हाँ तो दिन चढ़दिआं हर बंदा जिहड़ा वा साडा फौजी बंदा चाह दा शौकीन हुंदा, असीं चाह वगैरह बना के पीण लग पए आ। फिर जो दिन चढ़िया तो साडे विच सिख अफसर आ गए, साडे CO साहब GS कालों साहब ही बहुत लाइक अफसर हैगे जिन्हां ने कहा कि मिजोरम दे विच सानू बचा के लिआंदा, नहीं तो उत्थे आम जवानों दे नुकसान हुंदा वा। तो उन्होंने जो बच्चे फिर के क्या उन्होंने कहा भी तुम इदा करो भी जो तुम ये करने ही कार्रवाई ताकि हो गई है, हूँ तुम उ जरा जाके भी रोस करना इतने भी करना, जे इतों जाओगे तो नुकसान हो रहा आर्मी लगी है, तो सरकार तक जो मैसेज आए पहुँच गया भी सिख पलटन जी भजी आ, तो तुम इदा करो भी हूँ इतने रह जाओ ता कामयाब है सब कुछ। फिर जवानों ने उन्होंने आख्या CO साहब के आख्या जोड़ा है उन्होंने हथियार जोड़े इकट्ठे करने शुरू करते। 11 जून न डेहराडून विखे 196 फील्ड रेजिमेंट 7 सिख फौजियों ने जरनैल सिंह पिंडरांवाले अते उन्हां दे साथियों की याद विच अखंड पाठ आरंभ कर दिता। पाठ दौरान पिंडरांवाले की एक तस्वीर भी रखी गई, जबकि अरदास काफ़ी भड़काऊ सी। CO वालों पिंडरांवाले की तस्वीर नूं उत्थों हटाउण लई जवानों नूं बड़ी मुश्किल नाल मनाया गया।
पर जवानों नूं पाठ दा भोग पाउण दी इजाजत दे दित्ती गई, जिस नाल हालात खराब होण तों बच गए। उधर पाकिस्तान नाल लगदी सरहद ते नॉर्दर्न सैक्टर विच जम्मू ते कश्मीर विखे तैनात 86 विच वी एक घटना वापरी। उत्थे उस समय तनाव दा माहौल बन गया जदों कुछ सिख जवानों ने अधिकारियों वल्लों यूनिट मोटो चढ़दी कला दा मखौल उड़ाउंदिआं सुणिआ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ 11 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੱਡ ਰੇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਖੱਡ ਰੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।